मैं रणविजय प्रभात से। भारत ने आज़ादी के बाद दो आंदोलन मुख्यतः देखा है, एक देवी की क्रांति, एक अन्ना आंदोलन। आपका भी मूवमेंट टाइप लगता है, तो वो दोनों का अनुभव जो सामान्य वर्ग में है वो बेहतर नहीं मिल रहा। आपकी पदयात्रा से, जन सुराज से आम लोग विश्वास पैदा कर पाएंगे? पहली बात तो हम कोई आंदोलन नहीं कर रहे हैं, मेरा आंदोलनों में कोई यकीन नहीं है। आपने जो दो आंदोलनों की बात करी, आपने उसके परिपेक्ष को नहीं समझा होगा। आंदोलन जो है वो एक तेज हथियार के जैसा है। अगर आपके हाथ में तेज हथियार है, आप एक बड़े से बड़े वृक्ष को उससे काट सकते हैं, लेकिन कितना भी आपके हाथ में हथियार बड़ा हो, आप पौधे को पेड़ नहीं बना सकते। जिस जेपी आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, जेपी आंदोलन का लक्ष्य बिहार सुधारना नहीं था। उस आंदोलन को बढ़िया से पढ़िए और समझिए। आंदोलन का लक्ष्य था उस समय की देश की सत्ता में काबिज कांग्रेस इंदिरा गांधी को हटाना, उसमें उनको सफलता मिली। अब आप कह रहे हैं कि आंदोलन हुआ, बिहार में सफलता नहीं मिली, तो यही बात मैं आपको बता रहा हूँ। आंदोलन से समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। जो कुर्सी पर बैठा है आप उसको हटा सकते हैं, नए समाज का निर्माण नहीं हो सकता है। अन्ना आंदोलन की आपने बात करी, तो अन्ना आंदोलन से भी जो समय देश में जो व्यवस्था थी वो यूपीए हट गई। सृजन का एक अपना समय और एक अपनी पृष्ठभूमि है। आप आंदोलन और क्रांति जब लोग शब्द प्रयोग करते हैं उनको ये पता ही नहीं चलता है, दोनों को मिक्स कर देते हैं। आंदोलन और क्रांति से आप लोगों को सत्ता से हटा सकते हैं, नई व्यवस्था नहीं बना सकते। और बिहार के नज़रिए से जैसा कई लोगों को लगता है कि जेपी के आंदोलन से निकले लोग ही बिहार चला रहे हैं, ये तो उन लोगों का दावा है। जेपी के आंदोलन में लालू नीतीश और सुशील कुमार मोदी के अलावे भी बहुत लोग थे। जेपी का आंदोलन हुआ 75 के दौर में, लालू जी मुख्यमंत्री बने 1990 में। तो ये कौन दावा कर सकता है कि अगर जेपी जिंदा होते तो लालू जी को मुख्यमंत्री बनाते? ही तो खुद से इन लोगों ने अपने आप को कह दिया कि हम ही जेपी के मानने वाले हैं, करने वाले हैं। महात्मा गांधी ने आंदोलन किया देश में, स्वतंत्रता का आंदोलन चला 45-50-100 वर्ष। आज कांग्रेस के लोग अगर कुछ गलती करेंगे तो उसके लिए दोष आप महात्मा गांधी को देंगे। उस आंदोलन की शुद्धता, उसके प्रभाव को कम नहीं करके आंका जा सकता है। समय के साथ उस आंदोलन से निकले हुए लोग, उसके विचारधारा वो गलत हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिन्होंने वो प्रयास किया वही गलत है। हनुमान नगर का मुख्य समस्या आपके नजर में क्या आया है? अभी तो हनुमान नगर आज चलना शुरू करेंगे तो आप हनुमान नगर की बात, तो फिर चलने की जरूरत क्या है? आप लोग तो यही जो नेता है वो यहाँ आए उससे पहले आप लोग वो जो बोलता है उसी को ध्रुव सत्य मान लेते हैं। जो लोग दो बार तीन बार से विधायक हैं बिहार में और आपके क्षेत्र में भी, उनसे जाकर आप खाली पूछिए कि अपने विधानसभा क्षेत्र के सारे पंचायतों का नाम बता दो। तीन तीन बार से जो विधायक सांसद है वो अपने अपने क्षेत्र का पंचायत का नाम नहीं बता सकता है, समस्या का तो बातें छोड़ दीजिए। मैं दावा कर रहा हूँ कैमरे पर, आपके विधायक अगर यहाँ के पंचायतों का नाम बता दे बिना कागज देखे हुए तो आप जो कहिए मैं मान लेता हूँ। एक विधानसभा में औसतन 25-30 ग्राम पंचायत होता है, कहाँ विधायक लोगों को मालूम है कि कौन 30 को पंचायत है? कोई नहीं बता पाएगा उसमें। आप पंचायत की अलग अलग समस्या, ऐसे ही थोड़ी ना 15 महीना लग रहा है, हम भी तो 6 महीना में पूरा बिहार घूम सकते हैं। एक एक जिले में एक एक महीना, डेढ़ डेढ़ महीना, दो दो महीना क्यों लगता है? सिर्फ हम चल नहीं रहे हैं, चलना तो एक जनसंपर्क का तरीका है, लेकिन जितना हम चल रहे हैं सुबह से 8 बजे से अभी तक बैठ के वो काम भी कर रहे हैं। कल जो देखा, जो चर्चा की, जो समझ में आया उसको कंपाइल भी करते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, रास्ता कैसे निकाला जा सकता है ये समझते हैं, तभी तो बात सुधरेगा। नहीं तो सिर्फ यात्रा कर लेने से क्या होगा? आप 10-20-50-100 आदमी के साथ घूमिए या 10-20 हज़ार आदमी के साथ घूमिए, उससे तो समाधान नहीं होगा। आपके जनसंपर्क में बाढ़ समस्या आई है? बाढ़ समस्या आई है लोग बताते हैं,
लेकिन बाढ़ की समस्या को समझने के लिए आपको जनसंपर्क करने की जरूरत नहीं है। 50% बिहार की कृषि योग्य भूमि पर बाढ़ का प्रभाव है या बाढ़ का खतरा है, ये सबको मालूम है। जनसंपर्क और पदयात्रा में उसका दूसरा पहलू समझ में आता है कि जितनी आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित है, जो आधी बची हुई जमीन है उसमें आधी जमीन जल जमाव और सूखे से प्रभावित है। तो जल जमाव मेरी समझ से बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर चर्चा नहीं होती है। बाढ़ की चर्चा खूब होती है, जल जमाव की चर्चा नहीं हो रही है। बिहार में करीब करीब 1/3 जमीन, बाढ़ तो कभी आएगा कभी नहीं आएगा, लेकिन जल जमाव के लिए 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित है। या तो एक फसल वहां हो रहा है या वो एक फसल भी नहीं हो रहा है। कोई ऐसा ग्राम पंचायत, कोई ऐसा प्रखंड नहीं है जहां 10-20 हजार एकड़ जमीन जल जमाव से प्रभावित ना हो। जो नेपाल से लगते हुए एरिया है वहां पर नदियों का कटाव का मामला ज्यादा है, नदियों के रास्ता बदलने का मामला ज्यादा है बाढ़ से ज्यादा, क्योंकि वहां बाढ़ ज्यादातर सरकारी आंकड़ों में के हिसाब से बाढ़ वहां आता ही नहीं है। बाढ़ के जो डेफिनेशन है कि 3 दिन तक पानी वहां रहना चाहिए, 72 घंटे तक। नेपाल से नदी से पानी आया, 24 घंटे में तबाही मचाई, पानी निकल गया। तो सरकार की नजर में तो वहां बाढ़ आया ही नहीं, लेकिन तबाही बाढ़ से भी ज्यादा हुई। तो पदयात्रा आप करते हैं इन चीज की बारीकियों को समझने के लिए। बिहार में बाढ़ आता है इसके लिए पदयात्रा करने की जरूरत है, तो पटना में दिल्ली में बैठ के आप बता सकते हैं। बिहार में पदयात्रा का जो मेरा अभी तक अनुभव रहा है जल संसाधन को लेकर, जल प्रबंधन को लेकर, जल प्रबंधन यहाँ इतना बड़ा विषय है कि आधी जमीन बाढ़ से प्रभावित, 1/3 जमीन जल जमाव से प्रभावित, और जो बच गया उसमें सूखे की दिक्कत। बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ पिछले 10 वर्ष में सिंचाई की सुविधा 11% से कम हो गई है। 10 वर्ष पहले अगर 100 एकड़ जमीन में नहर और नलकूप से सिंचाई होती थी तो वो घट के 89 एकड़ रह गया, क्योंकि नहरों का और नलकूपों का रख रखाव बंद कर दिया गया। दूसरी जो यहाँ समस्या है, अब आप ये पूछिएगा कि यहाँ जल प्रबंधन में इतनी दिक्कत क्यों है। दिक्कत इसलिए है कि जल संसाधन विभाग बिहार में चोरी का, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विभाग है। ये मैं आपको फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, सरकारों को बहुत करीब से देखने के बाद। इसका एक प्रमाण आपको मैं देता हूं। बिहार में पिछले 30 वर्ष में ज्यादातर समय गठबंधन की सरकार रही हो, चाहे भाजपा नीतीश की हो, भाजपा लालू जी की हो, लालू कांग्रेस की हो, आप ये देखेंगे कि मुख्यमंत्री जिसका रहता है वो सारे विभाग का बंटवारा कर देगा, जल संसाधन विभाग का बंटवारा कभी नहीं करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये कमाने का सबसे बेहतर जरिया है, और सिर्फ कमाने का ही नहीं, कमाई तो आप लोग जो चोरी कर रहे हैं वो पथ निर्माण विभाग में भी करेंगे, भवन निर्माण में भी करेंगे, और अन्य भी विभाग हैं। लेकिन दूसरे विभाग और जल संसाधन विभाग में फर्क ये है, अगर सड़क टूटेगी, सड़क नया बनेगा तभी तो कुछ चोरी कीजिएगा, अगर खराब सड़क बनाइएगा तो पब्लिक को दिखेगा, हल्ला भी हो सकता है कि भैया यहाँ सड़क में चोरी हुई है। जल संसाधन विभाग में 2 बड़े जबरदस्त फायदे हैं। एक तो इसमें आप खुद ही बांध तोड़ के बाढ़ लाकर उसमें पैसा सैंक्शन करके चोरी का उपाय लगा सकते हैं। दूसरा, चाहे जितना चोरी कर लिया, लिख दिया कि बाढ़ में बह गया, तो कोई उसका जांच नहीं है, पकड़ा ले जाने की संभावना नहीं है। तो जल संसाधन विभाग सबसे बड़ा चोरी का यहाँ विभाग है, और इसीलिए जो लोग सत्ता में रहते हैं उसको छोड़ते नहीं है, और इसीलिए ये पूरी जो व्यवस्था है, कुछ तो वैज्ञानिक सोच का अभाव है कि इस पूरे पानी को बाढ़ के नजरिए से न देखकर इस पानी को अपनी ताकत समझी जाए। दुनिया में आज पानी की हर जगह कमी है, पूरे देश में पानी की कमी है, और बिहार में इतना ज्यादा पानी है, इस पानी का अगर सही सदुपयोग किया जाए तो कई चीजें आप उसको इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन कुव्यवस्था चोरी इतनी है कि आप सड़क पर चलते हैं तो एक साइड बाढ़ दिखता है, दूसरे साइड सूखा दिखता है, एक साइड खेत में पानी भरा हुआ है 9 महीने इसलिए फसल नहीं हो रही है, दूसरे साइड पानी नहीं पहुंच रहा है इसलिए फसल नहीं हो रही है। तो क्या लगता है कि सर ये बाढ़ जो है सत्ता वाले को ये फायदा देने वाली होती है? और इसी बिल्कुल भाई, सिर्फ बाढ़ नहीं, पूरा जो जल प्रबंधन है बिहार में, जो सिंचाई की योजनाएं चल रही है, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र के बाद
एकदम मेरे पास इसका सही आंकड़ा नहीं है, लेकिन मेरा अनुमान है कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा सिंचाई की लंबित परियोजनाएं बिहार में है। 1950 से चली जा रही है, अभी मधुबनी में, दरभंगा में, आज से नहीं, ये 500 बरस से ये योजना चली ही जा रही है, चली ही जा रही है। न कभी उसको पूरा किया जाता है, न उसको बंद किया जाता है, वो परमानेंट कमाने का उपाय है। दूसरा जो ये बांध की बात है, हर बार वही बांध सबको मालूम है, मतलब लोग तो गांव में ये बताते हैं कि पैसा देकर लोग बांध तोड़वाते हैं, ईमान टूटेगा तो फिर वहां पैसा आएगा। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जल को रिसोर्स के तरह हम देखते नहीं है, कि पानी हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, इस तरह से नहीं देखते हम लोग, पानी को अभिशाप के तौर पर देखते हैं, जबकि पानी बिहार की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है। जैसे मान लीजिए हम लोग के पास इतने लोग हैं जो मजदूरी करते हैं, अगर आपके पास रोजगार का साधन हो तो ये आपकी ताकत हो, अगर रोजगार का साधन नहीं है तो आपके लिए अभिशाप है, लाइबिलिटी है, ये तो आप किस नजरिए से उसका इस्तेमाल करते हैं। सरकार की नजर में पानी कमाने का जरिया रहा है कि पानी से बाढ़ आने दो, तबाही मचने दो, उसमें कमाई करो, पानी से समाज की तरक्की कैसे होगी, बिहार का फायदा कैसे होगा, इसमें कैसे यहाँ इससे बिजली पैदा होगी, इससे सिंचाई कैसे होगी, इसकी चिंता नहीं है। सबकी चिंता यह है कि हर साल बाढ़ आए और उससे लूट हो, फिर अगले साल बाढ़ आए फिर लूट हो। सर हाल ही में जो अभी तो आपके जिले के ही जल संसाधन मंत्री हैं, और इस जिले की क्या दुर्दशा है बाढ़ और सूखे को लेकर आप देख लीजिए, हम तो जितने प्रखंड से घूम कर आ रहे हैं लोग अपशब्द ही बोल रहे हैं, कहीं कोई नहर, मतलब कि कहीं नहर खुदवा गया झूठ मूठ का और वहां लोग बता रहे हैं पानी ही नहीं आ रहा है, लेकिन खुदवा कर दो चार जो भी कितने हजार करोड़ रुपए उसमें निकाले गए। दरभंगा में तो दरभंगा तो उसका जीता जागता, जो मैं बात कह रहा हूँ इसको तो आप देख सकते हैं दरभंगा में क्या हो रहा है। यहाँ का आदमी जल संसाधन मंत्री है, जबरदस्ती का काम पैदा करना और बिना ये सोचे समझे कि उस काम का कोई लाभ है भी कि नहीं है, काम दीजिए, काम दीजिएगा तभी तो चोरी होगा, उसमें काम कुछ न कुछ पैदा किया जाए। अभी तक के पदयात्रा में क्या अनुभव रहा है और सबसे बड़ी समस्या क्या है, नौजवानों को क्या फायदा मिलेगा? पदयात्रा के दौरान जो सबसे बड़ी समस्या मैंने देखी वो है बेरोजगारी और पलायन। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन बिहार के सबसे बड़े मुद्दे हैं, इसको जानने के लिए पदयात्रा की क्या जरूरत है? पदयात्रा करने से पहले भी हमको इस बात का इल्म था, जानकारी थी कि बिहार में पलायन और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, लेकिन पदयात्रा के दौरान इन समस्याओं के सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी और इनकी विकरालता का अनुभव हुआ। जैसे आप पलायन को ले लें, पलायन के बारे में हम लोगों की सोच है कि बिहार से आंकड़े बताते हैं कि करोड़ों लोग नौजवान बाहर जाते हैं मजदूरी करने, लेकिन जब गांव में मैं इतने दिन से घूम रहा हूं तो मैंने पाया कि पलायन सिर्फ गरीबों का मुद्दा नहीं है, गरीब घर के बच्चे मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो बिहार के नजरिए से समृद्ध परिवार हैं उनके बच्चे भी पलायन कर रहे हैं, वो नौकरी और पढ़ाई के लिए पलायन कर रहे हैं। पलायन हर परिवार को इफेक्ट कर रहा है, गरीब का जो बच्चा है उसको मजबूरी में जाना है और जो समृद्ध परिवार के बच्चे हैं उनकी भी मजबूरी है कि उनको भी जाना है। परिवार की परिकल्पना ही बिहार में पलायन ने खत्म कर दिया। मान लीजिए हम 15 महीने से चल रहे हैं पैदल, तो बहुत आदमी बताता है भैया ये तो घर परिवार छोड़कर 15 महीने से चल रहे हैं, लेकिन जो आदमी ये बात बता रहा है उसको खुद नहीं इस बात का एहसास है कि उसके बच्चे भी 15 महीना में एक दो बार ही घर आते हैं, क्योंकि लोगों ने इसको अपने जीवन की सच्चाई मान लिया। तो गांव के गांव 40-50% युवा जो है गांव का वो बाहर ही रहता है, जहां बाढ़ प्रभावित जो गांव पंचायत है वहां ये दर 70-80% है। ऐसे परिवार गांव में आप जाएंगे तो आपको ज्यादातर महिलाएं बच्चे और बूढ़े मिलते हैं, नौजवान नहीं मिलते हैं। ऐसे परिवार जिसमें पति पत्नी बाल बच्चे माता पिता साथ में रह रहे हों, ये इक्का दुक्का ही गांव बचे हुए हैं, घर बचे हुए गांव में। होली दशहरा दिवाली लोग साथ में परिवार मनाए, इसकी परिकल्पना ही धीरे धीरे खत्म हो गई है। यही हाल कमोवेश बेरोजगारी का है। बेरोजगारी ऐसा नहीं है कि जो गरीब है उसके लिए बड़ा मुद्दा है कि हमारे बच्चे को नौकरी कैसे मिलेगी, जो यहाँ समृद्ध परिवार है वो भी अपने बच्चों के रोजगार के लिए उतना ही परेशान है। जो सो कॉल्ड यहाँ पर बड़े किसान है, 20 बीघा 25 बीघा की खेती कर रहे हैं,
जो छोटे मोटे व्यवसाय करने वाले लोग हैं वो भी आकर अपने बच्चों के 20-25 हजार रुपए सरकारी नौकरी के लिए भी हाथ जोड़ने को तैयार है। संविदा पर तमाम लोग ऐसे काम करते हुए जब मुझे गांव में मिलते हैं 6,000, 10,000, 12,000 रुपए पे नौकरी कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा वो 10 बीघा का मालिक है लेकिन 10,000 रुपया के लिए भी नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। तो बेरोजगारी और पलायन ये सर्वस्पर्शी समस्या है, सबसे बड़ी और सबसे ज्यादा दुखद। आपने कहा 55% विकल्प की तलाश में है, 50 से 55% वैसे विकल्प की तलाश में नहीं है, वो उनकी मांग है, उनकी सोच है कि ऐसा होना चाहिए। तो वैसे राज्य में जहां जाति एक हकीकत है, जहां की सारी पार्टियां विधानसभा में प्रस्ताव पारित करके जातिगत सर्वेक्षण के पक्ष में अपना मत रखते हैं, और यहां की हकीकत है कि यहां जाति से नकारा नहीं जा सकता। सुशील मोदी एक उदाहरण है जिनको अगरों ने कभी नेता नहीं माना और पिछड़ों के वो नेता कभी बन नहीं पाए। वैसी परिस्थिति में आप अपने आप को विकल्प के तौर पर क्या देखते हैं? देखिए, ये पहली बात तो आपका और बिहार के राजनीति को पर चर्चा करने और कवर करने वाले लोगों का ये भ्रम है कि जाति सिर्फ बिहार में है। आप बिहार में राजनीति को कवर करते हैं, आप आंध्र प्रदेश तो नहीं गए हैं, तमिलनाडु की राजनीति का आपने अध्ययन नहीं किया है, उत्तर प्रदेश की राजनीति, गुजरात की राजनीति को उतनी बारीकी से आप नहीं समझते हैं। वहां पर भी इतनी ही जाति है जितनी यहां जाति है। मैंने देश भर में काम किया है, इस बात को समझ लीजिए। जाति जो है वो एक समाज की बड़ी सच्चाई है। हर वो चीज जो समाज का हिस्सा है वो राजनीति में भी उसकी भूमिका होगी। अगर समाज में गरीबी है तो राजनीति में भी गरीबी एक मुद्दा होगा, अगर समाज में भ्रष्टाचार है तो राजनीति में भी उसका असर आपको दिखेगा। लेकिन जाति को समझना एक बात है और जाति की राजनीति करना दूसरी बात है। मुझे या जन सुराज को जाति की समझ यहां किसी भी दूसरे जाति के नेता से ज्यादा है, लेकिन हम जाति की राजनीति की बात नहीं करते हैं, हमें वो करना नहीं है। और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, बहुत सारे लोग जो बड़े नेता हैं उनको जातियों की बहुत अच्छी समझ है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जाति की राजनीति करते हैं। आपने कहा कि बिहार में तो हर आदमी जाति की राजनीति कर रहा है, यह आपका भ्रम है। हर आदमी जाति की राजनीति नहीं कर रहा है। मैं रोज कैमरे पर कहता हूं, आपको क्या लगता है कि लालू जी जाति की राजनीति करते हैं, ऐसा आपको लगता है? हम रोज कहते हैं कि लालू जी जाति की राजनीति नहीं करते हैं। लालू जी अगर जाति की राजनीति करते तो वो ये कहते कि कोई यादव समाज का आदमी ही बिहार का मुखिया मुख्यमंत्री होगा और सब यादव जी लोग आप लोग लालटेन को वोट दीजिए। लालू जी तो ये नहीं कह रहे हैं, लालू जी ये कह रहे हैं कि हमारा लड़का मुख्यमंत्री होगा और सारे यादव समाज के लोग हमको आप लोग वोट दीजिए। तो ये जात की राजनीति कहां हुई? ये तो लालू जी तो अपने परिवार अपने बेटे की राजनीति कर रहे हैं। ये तो समाज की अज्ञानता है कि उसको लगता है कि भाई हमारे जात के हैं इनको, भाई यादव समाज में लोग पिछड़े नहीं हैं। अगर बिहार देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है और 14% आबादी यादव समाज की है तो स्वाभाविक है कि सबसे ज्यादा पिछड़ों की अगर संख्या के हिसाब से आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा गरीब तो यादव ही मिलेंगे आपको। तो जाति की राजनीति, और दूसरी बात कि बिहार में हर आदमी जाति पर वोट करता है, ये भी आपका भ्रम है। अगर बिहार में हर व्यक्ति जाति पर वोट करता तो नरेंद्र मोदी को बिहार में वोट कर कौन रहा है ये बता दीजिए हमको। उनके जाति का तो बिहार में कोई नहीं रहता है। मुसलमान तो जाति पर नहीं वोट कर रहा है, वो लालटेन को जाति के नाम पर तो नहीं वोट कर रहा है। 20% की उनकी आबादी है, वो तो भाजपा के डर से उनको वोट कर रहा है। तो वोटिंग जो है वो सिर्फ इतना सीधा नहीं है कि अरे भैया सब जाति पर होता है, सब जात पर वोट होता है। अगर ऐसा होता तो जिस जाति समूह का, जिस जाति का कोई नेता बन जाता वो तो कभी नहीं हारता, उसका सीट ऊपर नीचे कभी नहीं होता, क्योंकि जाति की संख्या प्रोपोर्शन तो फिक्स है। संविधान में अवसर की समानता का अधिकार दिया है। जी, ऐसे में आरक्षण के प्रति अपना नजरिया स्पष्ट करें। बिल्कुल आरक्षण के पक्ष में है, जो संवैधानिक व्यवस्था बनाई गई है, जो शब्द प्रयोग आपने कहा अवसर की समानता। संविधान बनाने वाले लोगों ने ये कहा कि आरक्षण लागू हो और ये समय सीमा तक हो, 20 वर्ष के लिए किया जाए। क्यों कहा?
क्योंकि उनकी सोच थी कि 20 वर्ष में अवसर की समानता सबको मिल जाएगी। अवसर की समानता क्या है? अवसर की समानता सिर्फ नौकरी नहीं है, अवसर की समानता ये भी है कि सबको एक तरह के विद्यालय में पढ़ने का भी अवसर मिले। अवसर की समानता ये है कि कोई बच्चा भूखा भी न सोए। तो अगर कोई बच्चा, उसको पढ़ाई करने की सुविधा नहीं है, उसको भोजन नहीं है, उसको रहने का घर नहीं है, उसका मुकाबला आप ऐसे लड़के से कराएंगे जो अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, जिसको 4 ट्यूशन दिया जा रहा है, जिसको खाना बढ़िया मिल रहा है, तो अवसर की समानता नहीं हुई। तो कई लोग ये सवाल पूछते हैं कि आरक्षण कब तक? आरक्षण तब तक जब तक अवसर की समानता सामाजिक आर्थिक नजरिए से न हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि 20 वर्ष के लिए प्रावधान किया गया और आरक्षण को अब बढ़ाया जा रहा है। जिस दिन ये सारे वर्गों के आर्थिक सामाजिक आंकड़े पैरामीटर में या सारे समाज के लोग करीब करीब बराबर हो जाए, थोड़ा कम या ज्यादा, तब आपको आरक्षण हटाए जाने की बात करनी चाहिए। जब तक अवसर की समानता न हो तब तक आरक्षण रहना चाहिए, ताकि जिनको अवसर थोड़ा कम मिला पढ़ाई में, आर्थिक वजहों से, सामाजिक कारणों से, उन लोगों को हाथ पकड़कर आपको थोड़ी मदद करनी पड़ेगी। और दूसरी एक और बात महत्वपूर्ण आप लोग समझिए, ये बिहार में जो आरक्षण का जो भूत चलाया जाता है, दायरा बढ़ाने तो इसका भूत आप समझिए क्या है। टोटल सरकारी नौकरी में बिहार के 1.57% लोग ही हैं। चपरासी से लेके मुख्य सचिव तक सबका संख्या जोड़िएगा तो वो है 1.57%। जो बिहार की आबादी है उसका 1.57% ही सरकारी नौकरी में है। तो अगर आप उसमें आरक्षण का दायरा बढ़ा भी दीजिएगा तो कुछ हजार लोगों को फायदा होगा। 98.5% जो आबादी है वो तो उस दायरे में आती ही नहीं है, वो सरकारी नौकरी में है ही नहीं। तो आप आरक्षण चाहे 100 कर दीजिए, उससे कैसे उसकी गरीबी दूर होगी? इस संदर्भ में हम आपका नजरिया जानना चाहते हैं, आपका क्या, मान लीजिए आप आएंगे। हमारा नजरिया हमने आपको बता दिया, जो भी संविधान के अनुसार व्यवस्था बनाई गई है वो व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन मेरा नजरिया ये है कि समाज में सुधार तब होगा जब इनको अवसर की समानता शिक्षा में दी जाए, अवसर का समानता भूमि में दिया जाए, अवसर की समानता पूंजी में दी जाए। दलित परिवार के बच्चे, जो अति पिछड़े परिवार के बच्चे हैं, उनको पूंजी भी दी जाए ताकि वो रोजी रोजगार कर सके, उनको बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाया जा सके ताकि वो आगे जाकर कम्पीट कर सके, उनको भूमि दिया जाए ताकि वो अच्छी खेती किसानी कर सके। सिर्फ सरकारी नौकरी में अगर आप आरक्षण करेंगे और दूसरा कुछ नहीं करेंगे तो इन समाज को उसका फायदा नहीं मिलने वाला है। और ये बात जो सरकार ने अभी जातिगत सर्वेक्षण कराया, ये इन्होंने अपना मुंह पर खुद कीचड़ लपेट लिया। भाई 32 वर्ष से आप कह रहे हैं कि आप सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हुए हैं 32 वर्ष से, बिहार में सत्ता में है कौन? लालू और नीतीश। तो अगर इन वर्गों के साथ अन्याय हुआ, इनको वो लाभ नहीं मिला, ये वंचित रह गए, तो इसका दोषी कौन है जो सत्ता में बैठे हैं? तो लालू नीतीश को ये जवाब देना चाहिए, 32 वर्ष सामाजिक न्याय के नाम पर राजनीति करने के बाद, 32 वर्ष इनके नाम पर इनके वोट से राजा बनने के बाद आपने इनके लिए क्या किया? ना उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी, ना उनकी शैक्षणिक स्थिति सुधरी, ना उनको सरकारी नौकरियों में उनकी संख्या बढ़ी। अब फिर आप कह रहे हैं कि इसको 50 से 65, 65 से 80, अब जो करना है कर लीजिए। भाई जब वो आदमी चला गया मजदूरी करने बॉम्बे में, तो आप बिहार में सरकारी नौकरी में कितना भी आरक्षण दे दीजिए। ये तो समाज को मूर्ख बनाने का प्रयास है। आप देखिए बिहार में जो सरकार है, नौकरियों की बात छोड़ दीजिए, बिहार सरकार का बजट है 2,46,000 करोड़। 60% उस बजट का वाले जो विभाग हैं वो सिर्फ 2 आदमी के पास है, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। तो भाई आप पथ निर्माण विभाग किसी अति पिछड़े को दीजिए, गृह मंत्रालय आप किसी मुसलमान को बनाइए, किसी दलित को दीजिए, उनको रोक कौन रहा है? और अगर कोई नहीं रोक रहा है तो इसका मतलब है कि आप ही दोनों लोग तो मिलकर सबका हक मार रहे हैं। क्या वंचित, क्या अकलियत, क्या दलित, क्या सवर्ण, सबका हक मार कर 2 आदमी बैठा है, वो है नीतीश कुमार और लालू यादव। सर हाल ही के दिनों में जो कांग्रेस को प्रणाली हार गई है, उसके बाद जो है अब पीएम फेस के लिए नीतीश कुमार का चर्चा उठने लगा है इंडिया गठबंधन। मेरे भाई
ये चर्चा आप लोग बिहार में, चूंकि आप बिहार के पत्रकार हैं, तो स्वाभाविक तौर पर आपको नीतीश कुमार बहुत बड़े तोप दिखते हैं। 42 विधायकों वाले दल के नेता, लंगड़ी सरकार चलाने वाले आदमी, जो कभी उछल के कमल के साथ, कभी लालटेन के साथ, जिसका खुद भरोसा नहीं है, जिसको खुद नहीं पता है कि कल वो कहाँ रहेगा, उसको देश में कौन नेता बना रहा है, ये सिर्फ बिहार के पत्रकारों को पता है। ये जब से महागठबंधन बना है, उस दिन से मेरा बयान आप सुन लीजिए, मैंने आपको कहा है कि इसका कोई राष्ट्रीय राजनीति पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसका कोई महत्व नहीं है। जो विपक्ष की राजनीति है उसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है, हारे या जीते, दूसरा तृणमूल है, तीसरे नंबर पर डीएमके है, जदयू को कौन पूछ रहा है, ये तो अपने मुंह मियां मिट्ठू होने वाली बात है। लालू जी ने कहा कि देश का प्रधानमंत्री नीतीश जी होंगे, लालू जी के कितने सांसद हैं भैया लोकसभा में, जीरो। तो जिस पार्टी का जीरो सांसद है वो बता रहा है कि देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, जिसके दल के अपने 42 विधायक हैं वो देश का नेता आप लोग उसको बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जो देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा कुशासन के लिए पूरा देश में जाना जा रहा है, गरीबी के लिए, बेरोजगारी के लिए, पलायन के लिए, उस राज्य को नेता के दूसरे राज्य के लोग मान जाएंगे कि भैया आइए और महाराष्ट्र को बिहार बना दीजिए, तमिलनाडु को बिहार बना दीजिए, ऐसा कोई मान सकता है? ये मतलब कॉमन सेंस जो है, लॉजिक जो है, इसके लिए आपको कोई राजनीति का ज्ञाता नहीं होना है। इतनी समझ तो लोगों को है कि आप केरल में जाइएगा तो केरल के लोग कहेंगे कि हम केरल को बिहार जैसा बनाना चाहते हैं। किस आधार पर आपको कोई नेता वहां मानेगा? आपके पास संख्या बल है नहीं, आपके पास पैसा साधन वर्कर है नहीं, आपने गवर्नेंस के आधार पर ऐसा कोई मॉडल खड़ा नहीं किया जिसको देश भर फॉलो करना चाहता है, तो किस आधार पर आपको कोई नेता मान लेगा? इसके लिए आप लोग रोज कौन किससे मिला, अरे कितने बार मिल ले, कितने बार नाश्ता कर ले, कितनी बार चाय पी ले। नीतीश कुमार, हम देखिए रोज रोज इस तरह की भविष्यवाणी नहीं करते हैं। मैंने जीवन में एक बार बंगाल के बारे में बताया कि चाहे देश में जो लोग भी समझें, भाजपा को 200 नहीं, भाजपा को 100 सीट भी नहीं आएगा, और अगर आया, ये आकलन मेरा गलत हुआ तो मैं संन्यास ले लूंगा। भाजपा को 77 सीट आया, आपने देखा, मैंने अभी कुछ दिन पहले आपको बताया है, आपको भी बता देता हूं। नीतीश कुमार का राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है, कुछ महीने खींच तौर के वो चल पाएंगे। लोकसभा में जदयू को 5 सीट नहीं आएगा, अगर आ गया तो पूरे बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर माफी मांगेंगे, नहीं आएगा 5 सीट। उसके बाद कितने दिन नीतीश की राजनीति चलती है, कितने दिन कुर्सी पर रहते हैं कोई नहीं जानता है, 2 दिन में गिरेंगे कि 2 महीना में गिरेंगे। इनके पास 117 विधायक थे 2014 में, और जब लोकसभा चुनाव में 2 सीट आया तो पद से इस्तीफा देना पड़ा। राजनीति में इतना प्रेशर होता है, जब तक आप जीत रहे तो आप ही माई बाप हैं, जब हारिएगा तो जो माई बाप कहता है वही आपको कुर्सी से उलाटता भी उतनी ही तेजी से, 1 मिनट नहीं लगता है लोगों को रंग बदलने में। तो नीतीश कुमार का अंतिम दौर चल रहा है राजनीति का, मानसिक और राजनीतिक दोनों तौर से नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, जिस तरह का शब्द प्रयोग करते हैं। और देखिए ऊपर वाला जो है ना, नियति जो है, वो बहुत ताकतवर चीज है। नीतीश कुमार की ये दुर्दशा हुई है कि जो कुछ भी उनका था, नियति ने उन्हीं के व्यवहार, उन्हीं के मुंह से बर्बाद करा दिया। नीतीश कुमार लालू जी के जंगल राज के खिलाफ उनका एक चेहरा, एक व्यक्तित्व, एक पहचान थी। नियति ने ऐसा किया कि नीतीश कुमार ही अब उस जंगल राज को वापस लाने वाले बन गए। नीतीश कुमार की छवि थी कि आदमी बिल्कुल सोच समझ कर बोलने वाला व्यक्ति है, और अब ऐसे ऐसे शब्द वो बोल रहे हैं कि पूरा देश हंस रहा है और बिहार के लोग उस पर शर्मसार हो रहे हैं। नीतीश कुमार की छवि सुशासन की थी, आज अगर किसी आदमी को बिहार में कुशासन, भ्रष्टाचार के लिए गाली पड़ रहा है तो नीतीश कुमार है। तो नियति की जो इन्होंने किया है दूसरों के साथ, वही चीज नियति इनसे खुद से करा रही है, और ये सुनिश्चित करेगी कि जब ये कुर्सी से हटे तो इनके पास कुछ नहीं बचेगा। लोग कह, अगर 5 वर्ष पहले छोड़ दिया होता तो कम से कम इतिहास में लोग याद करते
जिस आदमी ने बिहार को सुधारने का प्रयास किया, आज जब नीतीश कुमार को हटाया जाएगा या हटेंगे तो लोग ये कहेंगे भैया जान बचा, ये आदमी पूरा बिहार को बर्बाद करने पे लगा हुआ था। ये नियति की ताकत है। ठीक है, 2023 खत्म हो रहा है, 2025 में विधानसभा चुनाव है। हमको नहीं मालूम है कि 25 में होगा कि कब होगा, लोकसभा चुनाव होने दीजिए, उसके बाद तय होगा कि यहाँ चुनाव कब होगा। आपने उद्देश्य बतलाया कि विकल्प देना और 10 वर्ष की योजना, जी तो क्या ये विधानसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल, विधानसभा चुनाव से पहले। जिला में आप 15 महीने लगा? नहीं नहीं, आप भ्रम मत पालिए, 12 जिला ये बिहार के बड़े जिले हैं। दरभंगा को करने में जितना, पश्चिम चंपारण को, पूर्वी चंपारण को करने में जितना समय लगेगा उतना सुपौल में नहीं लगेगा। 45% बिहार पूरा कर लिया, 50% बाकी है, 15 महीना और लगेगा, हो जाएगा, साल भर लगेगा, हो जाएगा, उसमें क्या। और जैसे जैसे आप इसको करते हैं तो चीजों को आप समझते हैं, इसको करने की गति भी धीरे धीरे बढ़ाई जा सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विधानसभा से पहले हर हालत में 243 जगह पर जन सुराज का आपको उम्मीदवार दिखेगा। बिहार से पलायन कैसे रुकेगा और यहाँ रोजगार का सृजन कैसे होगा? बिहार से पलायन कैसे रुकेगा इस पर हम रोज बता रहे हैं। बिहार से पलायन रोकने का, रोजगार का दो ही तरीका है, पहला शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन और दूसरा पूंजी की उपलब्धता। शिक्षा व्यवस्था यहाँ ध्वस्त है, उसको सुधारा जाना है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, शिक्षा पर तो आप रोज चर्चा करते हैं, कहना आसान है कि शिक्षा सुधरेगा तो रोजगार मिलने लगेगा। जो दूसरी बड़ी बात है, बिहार के पलायन को अगर आप समझना चाहते हैं तो यहाँ पलायन लोगों का नहीं है, यहाँ से पलायन लोगों का श्रम का है, पलायन बुद्धि का है, और सबसे बड़ा यहाँ से पलायन है पूंजी का पलायन। बिहार में रोजगार और पलायन रोकने का जो सबसे सटीक तरीका है कि लोगों के हाथ में पूंजी उपलब्ध कराया जाए, ताकि लोग अपने अपने क्षमता के अनुसार कुछ न कुछ स्वरोजगार कर सके। अब आप कहिएगा कि अभी ये क्यों नहीं और आप कैसे कर दीजिएगा। बिहार में पूंजी लोगों के पास इसलिए नहीं है कि पूंजी के दो स्रोत हैं। पहला, जो आप कमाते हैं और कमाकर जो पैसा बचाते हैं वो आपके लिए पूंजी बनता है। दूसरा, जो पैसा आप बचाने के अलावा जब जो जरूरत पड़ती है आप बैंक से लोन लेते हैं। मान लीजिए कि आपने अपने आमदनी से 1,00,000 रुपया बचाया, आपको घर बनाना है 10,00,000 रुपये का, तो 1,00,000 रुपया आप अपना लगाते हैं, 9,00,000 रुपया बैंक का लेते हैं, 10,00,000 का घर बनता है। तो बिहार इस चीज को देखने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक आंकड़ा जारी करता है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कि समाज के तौर पर कितना पैसा आप बैंक में बचा करके जमा कर रहे हैं और कितना पैसा बैंक वाले लोन दे रहे हैं। RBI ये आंकड़ा जारी करता है, उसको देख लीजिएगा। देश के स्तर पर क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है 70%, मतलब अगर भारत भर के लोगों ने बैंकों में 100 रुपया जमा किया तो बैंकों ने 70 रुपया ऋण के तौर पर समाज को वापस किया, घर बनाने के लिए, गाड़ी चलाने के लिए, उद्योग व्यापार करने के लिए। बिहार में CD रेशियो है 40%। 1990 में जब लालू जी मुख्यमंत्री बने तो CD रेशियो था 40%। लालू जी का जो जंगल राज चला तो वो घटते घटते हो गया 28%, और जब नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री बने तो 28% CD रेशियो था, और अभी उनके 18 साल के प्रयास के बाद ये बढ़कर फिर हुआ 40%। इसका असर क्या होता है इसको समझिए। पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। समझिए इस बात को, पूरे बिहार में लोगों ने जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। 40% CD रेशियो का मतलब है कि बैंकों ने ऋण के तौर पर दिया 1,61,000 करोड़ रुपया, बाकी पैसा कहाँ गया 2,80,000 करोड़। वो पैसा बैंकों ने यहाँ से ट्रांसफर कर दिया उन राज्यों में जहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहाँ विकास हो रहा है। तो 1990 से पिछले वित्तीय वर्ष तक का RBI का आंकड़ा देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि यहाँ से बिहार से 2,600,000 करोड़ रुपया बिहार के लोगों का पैसा। आप और हम सोच रहे हैं कि कोई बॉम्बे से आके वो चीनी मिल लगा दे 5,000 करोड़ रुपया का, बिहार के लोगों का 2,600,000 करोड़ रुपया बैंकों ने यहां से ट्रांसफर कर दिया दूसरे राज्यों में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, केरल में, पंजाब में। वहां पर CD रेशियो कितना है? उन राज्यों में CD रेशियो है 90, 95, 100, 105।
मतलब अगर आंध्रा में 100 रुपया लोगों ने बैंकों में जमा किया तो बैंकों ने 105 रुपया ऋण दिया। तो हम लोग यहाँ से खाली अपने बच्चों को मजदूर बनाकर नहीं भेज रहे हैं, यहाँ से हम लोग अपने बच्चों को मजदूर बनाकर भेज रहे हैं, जो हमारे समाज का पढ़ा लिखा आदमी है उसको पढ़ा लिखा कर मैनेजर बनाकर भेज रहे हैं, और जो पैसा हम लोग बचा रहे हैं इस पैसे को भी हम लोग उन राज्यों में भेज रहे हैं जहाँ उद्योग धंधे लग रहे हैं। तो बिहार, जो दुनिया भर के विद्वान बता रहे हैं लोग, अगर बिहार में क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो को सुधार दिया जाए तो हर साल यहाँ 2 से 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग से इन्वेस्ट होने लगेगा, और उससे यहाँ पलायन और रोजगार का सृजन होगा, पलायन रुकेगा। और ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की मनमर्जी है कि वो जितना चाहे दे जितना ना दे, ध्यान रखिए बैंकों पर ये वैधानिक जिम्मेवारी है कि उनको कम से कम 70% लोन देना है हो, और उस कमिटी को खुद चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री बिहार के हेड करते हैं। लेकिन हो ये रहा है कि जैसे मुख्यमंत्री का बात थानादार नहीं सुन रहा है, अफसर नहीं सुन रहा है, वैसे बैंक वाले भी नहीं सुन रहे हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि अगर 26 लाख करोड़ रुपया बिहार में रहा होता तो कितने ज्यादा लोगों ने घर बनाया होता, कितने ज्यादा लोगों ने मोटरसाइकिल कार खरीदा होता, कितने लोगों ने खाद सीमेंट कपड़े का व्यापार कर लिया होता। जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी तभी तो रोजगार मिलेगा। यहाँ भाई यहाँ के लड़के जाके बॉम्बे में घर बना रहे हैं, यहाँ घर बनने लगेगा तो यहीं पे घर बनाएगा, क्यों जाएगा बॉम्बे? लोग राजमिस्त्री का काम करने इसलिए तो जा रहे हैं कि यहाँ घर उतने नहीं बन रहे हैं। घर क्यों नहीं बन रहा है? 90% घर जो देश में बन रहा है वो तो लोन पे बन रहा है। अगर आपको लोन मिलेगा नहीं तो आप घर बनाइएगा कैसे? अगर आपके पास अभी बचत का पैसा 1 लाख है, आप 2 कमरे का घर बना रहे हैं, 10 लाख का आपको लोन मिलेगा, तो आप 6 लाख का 6 कमरे का घर बनाइएगा और कमा के धीरे धीरे पैसा वापस कीजिएगा। तो ये जो पूंजी की अनुपलब्धता है, क्रेडिट की जो, और बिहार में इसकी कोई चर्चा नहीं करेगा। आप यहाँ जो फाइनेंस मंत्री है उसको बुलाकर पूछिएगा क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो होता क्या है, तो उसको भी नहीं मालूम। तो यहाँ सुधार होगा कैसे? आप इतने दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं, किसी ने आपको ये बताया कि बिहार से 26 लाख करोड़ रुपया बैंकों ने ट्रांसफर किया है पिछले 30 वर्ष में? कोई बात नहीं करता, नीतीश कुमार भी नहीं बात करते। हम आपको कैमरे पे कह रहे हैं, कोई अगर झूठ ला दे तो मैं जो कहिएगा मैं मान लूंगा। इतना पैसा यहाँ के लोगों का, हमारा आपका बचत का पैसा बैंक दूसरे जगह भेज रहे हैं, सरकार सो रही है, सरकार नौकरी या नौकरी में आरक्षण की बात कर रही है। अरे ये पैसा जब यहाँ लगेगा तब तो यहाँ के हर घर में बच्चों को रोजगार मिलेगा। सर ये भैया आप खत्म करेंगे हमारा और करेंगे।